एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। एंड आज मैं ना इस वीडियो में बेसिकली एक व्लॉग स्टाइल वीडियो होने वाली है। ये इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हाउ डू आई गेट रेडी फॉर माई वीडियोज़, या फिर जिस दिन मैं शूट कर रही होती हूँ उस दिन क्या क्या मैं प्रोसेस होता है मेरा शूटिंग का, और मेरा शूटिंग सेटअप मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्या कैमरा या फ़ोन यूज़ करती हूँ या फिर क्या लाइटिंग यूज़ होती है। एवरीथिंग आई एम गोना शो यू इन दिस वीडियो, सो मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। एंड गाइज, वी आर वेरी क्लोज टू 1000 सब्सक्राइबर्स, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों के फ्रेंड्स भी आके सब्सक्राइब करें। एंड सो बेसिकली राइट नाउ इट्स 12 अराउंड 1 बजने वाला है। यूजुअली आई स्टार्ट शूटिंग लाइक छुट्टी वाले दिन ही ऑब्वियसली मैं शूट करती हूँ, तो यूजुअली आई स्टार्ट शूटिंग एट 10-11 के अराउंड एंड आई गेट फ्री टिल 5 or 6। बट अब मैंने क्या किया है, मैंने अपना ना हर दिन थोड़ा 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 करके किया है, ताकि ज़्यादा मेरे ऊपर भी प्रेशर ना बने एंड आई कैन डू मोर थिंग्स इन छुट्टी वाले दिन। सो बेसिकली सबसे पहले व्हाट आई लाइक टू डू इज टू क्लीन माई फोन। मेरा फोन 32 GB वाला है एंड उसमें कोई सिम कार्ड नहीं, SD कार्ड नहीं है, स्टोरेज नहीं है उसमें। दैट्स वाई जब भी मैं वीडियो शूट करती हूँ, आई मेक श्योर कि मैं अपने फ़ोन में से जो पिछले वीडियो का कंटेंट है या तो वो डिलीट कर दूँ, अगर मैंने वो ऑलरेडी ट्रांसफ़र कर रखा है मेरे लैपटॉप में। अगर लैपटॉप में ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, देन आई प्रेफर ट्रांसफरिंग दैट इन माई लैपटॉप, ताकि मेरे पास फ़ोन में स्टोरेज आ जाए। सेकेंड थिंग विच आई लाइक टू डू इज चार्ज माई फोन टिल 100%, लाइक 1-2% पर भी नहीं छोड़ती हूँ मैं, 100% करती हूँ। राइट नाउ आई एम शूटिंग फ्रॉम माई फोन ओनली एंड इट्स आई थिंक 70% ऑफ द बैटरी, लाइक 70-73% बैटरी, एंड आई थिंक दैट्स प्रिटी मच ओके, क्योंकि बीच में जब मैं ब्रेक लूँगी तो उसको चार्जिंग पर लगा दूंगी। बट यूजुअली अगर मैं 100% करती हूँ तो वो मुझे 6 से 7 घंटे आराम से मैं शूट करती हूँ, मुझे शूट होने देता है। सो दिस आर द 2 थिंग्स जो सबसे पहले मैं दिन में, जिस दिन मुझे शूट करना था उस दिन सुबह उठते सबसे पहले ये चीज़ मैं प्रेफर करती हूँ करना। आज है 6 December एंड कल मेरे एग्जाम्स खत्म हुए हैं, सो आई हैव डिसाइडेड ऑलरेडी कि आज मुझे कौन कौन से वीडियो शूट करनी है। सो आई हैव टू शूट 3 videos टुडे। सो उन तीनों वीडियोस के लिए आई हैव टू डिसाइड दी क्लोथिंग एंड कंटेंट, कि उनमें क्या कंटेंट डालना है। सो कंटेंट आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, जस्ट फ्यू पॉइंट्स आई हैव टू राइट, आई विल डू राइट नाउ दैट। एंड कपड़े मुझे डिसाइड करने के, मुझे क्या कपड़े पहनने हैं उनमें, सो आई विल डिसाइड दैट ऑल्सो। अरेंज दी स्टफ्स, लाइक अभी बैठ के मुझे मेकअप करना है तो मुझे मेकअप में क्या क्या चाहिए होगा तो वो मैं रखूंगी। सो ये बास्केट ना खाली पड़ी रहती है मेरे रूम में, सो आई यूज दिस। सो हाफ ऑफ दिस बास्केट आई एम गोना फिल विद द प्रोडक्ट्स जो मुझे मेकअप के लिए यूज करने हैं, हाफ ऑफ द बास्केट आई एम गोना फिल विद द प्रोडक्ट्स जो मुझे वीडियो के कंटेंट के लिए शो करने हैं, लाइक 2 videos शूट करनी है इस वीडियो के, ये एक तो हो रही है जो भी मैंने लिखा था, और 2 करनी है, तो उनके लिए जो भी सामान चाहिए होगा वो इन इस बास्केट में रखा जाएगा। बट या लेट्स सी, सो सबसे पहले तो मैं इसमें मेकअप वाला सामान रखूंगी, बिकॉज करंटली आई एम गोना डू द मेकअप वाली वीडियो, सो लेट्स डू दैट। आफ्टर दैट अरेंजिंग एवरीथिंग, मतलब सब अरेंज करने का, क्या कपड़े डालने हैं, क्या सामान शूट करना है, कौन सी वीडियो में क्या सामान चाहिए, सब अरेंज करने के बाद आई सिट एंड डू माई मेकअप।
तो मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देती हूँ, रियल लाइफ में हम लोग इतना मेकअप नहीं करते हैं, बट लेकिन शूट करने के लिए ज़्यादा मेकअप फेस पे लगाना पड़ता है, बिकॉज कैमरा जितना आप अपने फेस पे अप्लाई करते हो उसका 60-70% ही पिकअप करता है, और कैमरे में थोड़ा दिखता भी वो कम है। अगर बाई चांस मैंने ब्लश लगाया है तो वो कैमरे में नहीं दिखता, तो मुझे रियल लाइफ में लगता है कि मैंने अच्छे से लगा लिया, बट फिर मुझे वो एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है ताकि वो कलर पिकअप करे कैमरा। एंड वेट, तो वो कैमरा उसे अच्छे से पिक करे तो उसके लिए करना पड़ता है। अभी मैं मेकअप करूंगी एंड और स्किन केयर करूंगी थोड़ा सा, और मेरा सब कुछ इसके अंदर है, इस पूरी बास्केट के अंदर। सो लेट मी स्टार्ट डूइंग दैट नाउ एंड सो फेस मैं ऑलरेडी वॉश कर चुकी हूँ एंड आई एम गोना अप्लाई दी टोनर। तो टोनर आई एम यूजिंग इज दिस फ्रॉम बायोटिक बायो क्यूकम्बर पोर टाइटनिंग टोनर, एंड आई एम गोना अप्लाई दैट। और अभी मैंने ना थोड़ा सा रिसेंटली ये चीज़ देखी कि आप हाथ से सिर्फ नॉर्मल यूज करके और जो स्किन में अच्छे से पेनिट्रेट कर दो। दैट आई हैव टू अप्लाई क्रीम। सो अभी मुझे ये क्रीम एक क्रीम है ये मुझे रिव्यू करनी है, फॉर दैट रीज आई एम गोना यूज दिस ओनली। हैवी मेकअप या फिर नॉर्मल मेकअप करें उससे पहले भी हमेशा स्किन केयर अच्छा जरूर करना, अदरवाइज आप कितना भी अच्छा मेकअप कर लो आपका मेकअप कभी भी मतलब इतना अच्छा नहीं दिखेगा जितना वो एक अच्छे स्किन केयर की हुई स्किन पे नजर आएगा। सो या एंड इस वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताने वाली हूँ कि मैं ये अप्लाई करने वाली हूँ ये वो, सिर्फ प्रोडक्ट दिखा दूंगी कि मैं क्या क्या अप्लाई करती हूँ। और आफ्टर दैट आई लाइक टू अप्लाई दी प्राइमर। After that, I'm gonna use Nykaa का foundation because I have to review this foundation and so that is I'm gonna use this and the color is slightly dark for my skin tone. If you can see, this is the shade number 07 और ये मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा dark है, but yeah. Thank you.
दिस, जो पूरा मैजिक लेके आती है फेस पे वो चीज है यूजिंग अ लिपस्टिक. सो लिपस्टिक कैन मेक और ब्रेक योर मेकअप. सो द लिपस्टिक आई हैव द ऑप्शन इज आई हैव दीज टू ऑप्शन. रिसेंटली मैंने मेरे हॉल में भी इन वीडियोज को इन लिपस्टिक्स को आपके साथ शेयर किया था. वन इज दिस लैक्मे एनरिच मैट लिपस्टिक. दिस इज इन द शेड RM11. इट्स अ ब्राउनी न्यूड शेड, not nude but dark brown shade, and this is the nude nuisance from Maybelline Sensational. I think I should go for this lipstick. Makes my color look little darker, but I don't know, let's see if it is going to do justice with this makeup. So this is the shade. I think it will go. After this, upon this, थोड़ा सा कलर को थोड़ा सा डार्क करने के लिए, बिकॉज आई एम अ पर्सन जिसको थोड़ी डार्क लिपस्टिक पसंद है, यूज दिस शेड एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टैप इट ऑन टू दिस लिपस्टिक विथ दिस. आफ्टर दिस व्हाट आई एम गोना डू इज, मुझे ना ये क्रीम सॉर्ट ऑफ लिपस्टिक्स ना पसंद नहीं है. सो आई एम गोइंग टू यूज दिस पैलेट एंड आई एम गोइंग टू टेक दिस शेड ऑन माई फिंगर और इसको मैं टैप कर लूंगी. मेक दिस कलर अ लिटिल व्हाट शुड आई से, लिटिल मैट. दीज आर मैट लिपस्टिक बट दीज आर क्रीम बेस्ड मैट लिपस्टिक्स. रिव्यू के लिए आप वेट कीजिए, रिव्यू मैं जल्दी करूंगी, अभी इनको ट्राई कर रही हूं मैं. सो दिस इज द लुक एंड अभी बचे बाल और कपड़े चेंज करने, तो मैं फटाफट कपड़े चेंज कराती हूँ, उसके बाद में डिसाइड करते हैं कि हम बालों के साथ क्या करेंगे. आई एम डन विद द हेयर स्टाइल एज वेल. मैंने बन बनाया है एंड थोड़ी फ्लिक्स निकाली है और एसेसरीज में मैंने इयर रिंग डाले हैं. इसके बाद आई शो यू माई सेटअप फॉर द वीडियोज़ की मैं वीडियोज़ कैसे शूट करती हूँ, लाइक दी होल सेटअप. और बैकग्राउंड मेरा अभी बेसिकली यही चल रहा है, बट आई एम थिंकिंग टू चेंज दी बैकग्राउंड, बट अभी जब चेंज होगा जब देखेंगे, बट अभी रिसेंटली बैकग्राउंड यही चल रहा है. एंड लाइटिंग मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ. सेटअप लुक्स लाइक, यहाँ पे मैं बैठ के वीडियो शूट करती हूँ, दिस इज द एरिया. एंड पीछे कुछ खास नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया मैं उसको चेंज करने वाली हूँ सब कुछ. एंड दिस इज द ट्राईपॉड एंड हेयर इज, यहाँ पे मेरा फोन होता है एंड दिस इज द रिंग लाइट. और रिंग लाइट का मैं पॉइंट मतलब हाईलाइट, रिंग लाइट की लाइट का जो पार है वो मैं सेव करती हूँ 3 पे 6 5 6 की है इसकी, मैं तो 3 पे रखती हूँ इसको. एंड दिस इज द एंगल ऑफ ट्राईपॉड. मेरा ट्राईपॉड का एंगल थोड़ा सा ऐसे होता है रेदर देन स्ट्रेट, तो थोड़ा सा झुका के होता है कि मेरा फेस आई गेस यहाँ होता है और ये यहाँ है. सो उससे ना थोड़ा सा ऐसे टिल्ट हो गया आता है, समझ जाओ. तो ये ट्राईपॉड है और यहाँ पे ये, और शूट करते टाइम व्हाट आई लाइक टू डू इज आई लाइक टू ऑन दीज टू लाइट्स. इन दो लाइटों को भी मैं ऑन कर देती हूँ, इससे थोड़ा और अच्छी सी बेटर उसमें वीडियो आती है. आई शूट माई वीडियोज एंड मेरा मेकअप अभी उतर चुका है फेस से, बिकॉज आफ्टर डूइंग द मेकअप मैंने वीडियोज जो मुझे शूट करनी थी वो मैंने कर ली हैं. एंड दिस इज हाउ आई शूट माई वीडियोज एंड दिस इज हाउ आई गेट रेडी फॉर शूटिंग माई वीडियोज. एंड आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा. इफ यू डू सो देन प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. मैं आप लोगों से मिलूंगी अपनी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.